हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एस डी डी के बारे में. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? एस डी दैट मीन्स सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या था? आपका पार्सर. तो बेसिकली एस डी डी क्या होता है? ग्रामर प्लस सेमेंटिक रूल. ग्रामर क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया पार्सर पढ़ते वक्त. ओके, तो ग्रामर में अगर कुछ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है? आपका एस डी डी. ओके, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? सेमेंटिक रूल. तो बेसिकली सेमेंटिक रूल क्या होता है? जैसे हम लोगों ने कंपाइलर फेजेस ऑफ कंपाइलर के टाइम पे डिस्कस किया था कि आपका क्या होता है, सिंटैक्स एनालाइजर देन सेमेंटिक एनालाइजर. एक तरीके से इसको क्या कह सकते हैं कि नेक्स्ट फेज आपका जो पार्सर का वो क्या आपका सेमेंटिक एनालाइजर. तो होता क्या है, इसमें भी जो इसका आउटपुट होता है वो भी जैसे सिंटैक्स एनालाइजर का आउटपुट क्या होता है? पार्सरी. और सेमेंटिक एनालाइजर का भी आउटपुट क्या होता है? पार्सरी. लेकिन हम उसको क्या करते हैं, सेमेंटिकली वेरीफाई करते हैं, यानी जो आपका पार्सरी जनरेट हुआ वो मीनिंगफुल है या नहीं. तो दैट मीन्स मीनिंगफुल का मतलब कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोगों ने रूल डिसाइड किया वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा. ओके, तो ये आपका गिवन ग्रामर है. और हर ये ग्रामर यानी ये प्रोडक्शंस दी हुई हैं, हर एक प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग उसके क्या हैं, रूल्स डिसाइडेड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सिमेंटिक रूल. ओके, तो इसका भी काम क्या है कि कोई भी आपकी एक स्ट्रिंग होगी उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका पार्सरी जनरेट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो सही वैल्यूएट कर रहा है या नहीं, या मीनिंगफुल है या नहीं. ओके, तो एक स्ट्रिंग लेके इसको हम चेक करते हैं. सपोज अगर एक स्ट्रिंग है 2 + 3 × 4, तो ये कैसे इवेल्युएट होगा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे इवेल्युएशन होता है. लेकिन इसकी थोड़ी इंटरनल डिटेल्स देखते हैं कि क्या हो रहा है. बेसिकली इसमें है कुछ नहीं, इसमें क्या है, ई डिराइव्स ई प्लस टी का मतलब कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में ई है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही, ई की वैल्यू कैलकुलेट की और टी की वैल्यू कैलकुलेट की, उसको क्या किया, यहाँ एडिशन परफॉर्म कर दिया. यानी एक तरीके से क्या हो रहा है, वहाँ एडिशन हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में उन दोनों का सम आ जा रहा है रिजल्ट, वही मतलब है यहाँ ई प्लस टी. तो इसका यानी इस प्रोडक्शन का मतलब क्या, वो यहाँ डिफाइन है. तो इसी को क्या कहेंगे हम, सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन. तो अब एक स्ट्रिंग लेके इसकी हम पार्सरी जनरेट करते हैं और बाकी इसकी जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो समझते हैं. तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग पार्सरी जनरेट करेंगे तो क्या आएगा, ई डिराइव्स ई प्लस टी. ओके, क्योंकि प्लस पहले है और उसके बाद क्या आपका स्टार है, टी डिराइव्स टी स्टार एफ. और इसको भी कंप्लीट करें, ई डिराइव्स टी एंड टी डिराइव्स एफ एंड एफ डिराइव्स डिजिट. ओके, और ये क्या, टी डिराइव्स एफ एंड एफ डिराइव्स डिजिट. तो और ये क्या है, एफ डिराइव्स डायरेक्टली डिजिट. तो ये क्या आपका, इसको हमने एज्यूम कर लिया, ये क्या आपका 2 है और ये आपकी इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 4 है. ओके, तो बेसिकली ये किस तरीके से वर्क करता है, यानी कैसे इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे. तो सिंपली क्या है, ये आपकी ट्री गिवन है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर लिया हमने, ये ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसको पार्स ट्री कहते हैं. और उसके बाद क्या है, इसका इवेल्युएशन किस तरीके से होता है कि कब ये जैसे इसको क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट. ओके, यानी लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए चले जाएंगे. ओके, और जैसे ही हम यहाँ आएंगे दैट मीन्स टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से इसका जो है ट्रैवर्सल होगा. और जब ये रिड्यूस होगा, यानी जब यहाँ रिडक्शन परफॉर्म होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सेमेंटिक रूल होंगे वो, यानी एक तरीके से सेमेंटिक रूल को यहाँ एक्शन भी कहेंगे. जब आपका रिडक्शन होगा उसी के करस्पॉन्डिंग ये एक्शन परफॉर्म होगा. तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, जब डिजिट जो है आपका कैपिटल एफ में रिड्यूस हो रहा है, तो एफ डॉट वैल, वैल का यहाँ एट्रीब्यूट है, तो एफ डॉट वैल्यू क्या होगी, तो अब यहाँ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी एफ डॉट वैल क्या हो जाएगा, वो यहाँ लिखा हुआ डिजिट डॉट लेक्सिकल वैल्यू. तो यहाँ डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू क्या है आपकी 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2. ओके, तो नेक्स्ट जब यहाँ आए तो ये क्या हो रहा है, ये अब कैपिटल एफ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है टी में. तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आपका जो है एक्शन क्या है, कि एफ की वैल्यू जो है टी की टी डॉट वैल में आ रही. तो t डॉट वैल क्या हो जाएगा आपका, f डॉट वैल कितना है 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2. फिर वापस आया यहाँ रिडक्शन, दैट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है, e डिराइव t अगर कहीं है, हाँ e डिराइव t है, तो इसका मतलब ये एक्शन परफॉर्म होगा. तो e डॉट वैल क्या हो जाएगा, e डॉट वैल विच इज इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट आया यहाँ कोई एक्शन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वापस यहाँ चलते गए चलते गए. अब ये क्या हो रहा है, ये डिजिट आपका कैपिटल एफ में रिड्यूस हो रहा है. तो वही सेम चीज़ यहाँ भी रिपीट हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3. नेक्स्ट है तो यहाँ टी और एफ के बीच में प्रोडक्शन क्या है, यानी एफ की वैल्यू जो है टी में रिड्यूस हो रही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3. फिर वापस आया यहाँ, फिर ये रिड्यूस होगा, यानी ये डिजिट एफ में रिड्यूस हो रहा है, एफ डिराइव डिजिट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डॉट वैल विच इज इक्वल्स टू 4. फिर यहाँ आए तो टी डिराइव टी स्टार एफ, तो टी डिराइव टी स्टार एफ का मतलब ये है, तो इन दोनों की वैल्यू, यानी इसका जो आपका लेफ्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू कितनी है 3 और इसके राइट चाइल्ड की वैल्यू कितनी है 4, इन दोनों को क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन.
यानी टी डॉट वेल क्या हो जाएगा आपका 3 × 4 विच इज इक्वल्स टू 12, फिर ये क्या हो रहा है आपका रिड्यूस हुआ, तो ई डिराइव्स ई प्लस टी, तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 12, तो टोटल कितना आ गया आपका 14, दैट मीन्स ई डॉट वेल क्या हो गया आपका 14। ये किस तरीके से होगा, सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट आपका टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट का मतलब सिंपली अगर सिंपल वे में देखेंगे, यानी जब इसको फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तब कोई भी रिडक्शन परफॉर्म नहीं, लेकिन जब सेकंड टाइम कब विजिट किए, जैसे हमने सेकंड टाइम एफ को विजिट किया तो ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, टी को सेकंड टाइम विजिट किया तो ये रिड्यूस हो, इसको सेकंड टाइम विजिट किया तो रिड्यूस हो गया, फर्स्ट टाइम कुछ भी विजिट कर रहे हैं तो वो रिड्यूस नहीं हो रहा, सेकंड टाइम जब, यानी एक तरीके से जब टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जब फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तब एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा, जब सेकंड टाइम विजिट करें तब वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 14। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि ई डॉट वैल का मतलब क्या है, यहाँ वैल क्या है आपका एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट बेसिकली किस तरीके से हम एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स, यहाँ दो पॉइंट है, एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड विथ ग्रामर सिंबल्स, यानी यहाँ जो ग्रामर के सिंबल दिए हुए हैं जैसे कैपिटल ई है, कैपिटल टी है और एफ है, तो जितने भी जो है आपके सिंबल्स दिए हुए हैं उसके करस्पॉन्डिंग क्या है वो आपका एट्रीब्यूट उससे एसोसिएटेड होता है, और सिमेंटिक रूल्स आर एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन, जो आपका सिमेंटिक रूल है यानी इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या है आपका ये सिमेंटिक रूल है, इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या है ये सिमेंटिक रूल है, एंड सो ऑन, यानी हर एक प्रोडक्शन से क्या होगा आपका सिमेंटिक रूल एसोसिएटेड होगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो हो सकती है वो नंबर भी हो सकता है, जैसे अभी यहाँ हमने जो एट्रीब्यूट्स वैल्यू फाइंड आउट की है वो नंबर्स के फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो वो आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, रेफरेंस दैट मीन्स एड्रेस भी हो सकता है, और आपका डेटा टाइप भी हो सकता है, तो वो कैसे होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था इसका बेसिक्स की, बेसिकली एसजीडी क्या होता है, एसजीडी में सिर्फ क्या होता है कि जो भी आपकी गिवन ग्रामर, यहाँ ग्रामर जो होगी वो सारी ग्रामर क्या होंगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल उसमें ऐड कर दिए तो वो क्या हो जाएगा आपका एसजीडी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं। ओके, सो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये आपके गिवन प्रोडक्शन है और इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है आपका सिमेंटिक रूल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, इफ़ द एक्स, और ये आपका जो यहाँ एक्स प्रोडक्शन दी हुआ है इसमें अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें क्या था आपका ऑपरेटर डिसाइडेड था, यहाँ ऑपरेटर डिसाइडेड नहीं, यहाँ क्या हैश है और यहाँ क्या दिया हुआ है एंड दिया हुआ है। तो अब हैश का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रोडक्शन देख के हम ये नहीं समझ सकते यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा सिमेंटिक रूल चेक करना पड़ेगा। ओके, इसलिए सिमेंटिक रूल जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हैश का मतलब क्या हुआ इस सिमेंटिक रूल के करस्पॉन्डिंग, ये क्या आपका मल्टीप्लीकेशन। ओके, दूसरा यहाँ क्या दिया हुआ है टी डिराइव्स टी एंड एफ, और इसके बारे में यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो दैट मीन्स ये क्या ब्लैंक है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ़ द एक्सप्रेशन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन ये है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। इफ़ द एक्सप्रेशन दिस इज इवेल्युएटेड टू 512, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 512, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द ब्लैंक, तो दैट मीन्स यहाँ आपको ऑप्शंस गिवन है, अब इसको क्या करेंगे वन बाय वन क्या करेंगे चेक करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, गेट 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ है, तो पहले इसको सॉल्व कर दें फिर उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका डिपेंडेंट क्वेश्चन, डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जब फर्स्ट सॉल्व करेंगे तभी हम सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हैश ऑपरेटर आपका डिफाइन है कि हैश क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो सिंपली क्या हुआ यहाँ पे ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ हमने लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब वन बाय वन क्या करेंगे इसको चेक करेंगे कि अगर यहाँ टी डिराइव्स टी डॉट वेल, टी डॉट वेल विच इज इक्वल्स टू टी डॉट वेल मल्टीप्लाइड बाई एफ डॉट वेल, तो दैट मीन्स क्या हुआ फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ एंड का मतलब क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन। ओके, दूसरा यहाँ जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो आपका जब कोई प्रोडक्शन दी हुआ तो उस प्रोडक्शन में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है या राइट रिकर्सिव ग्रामर है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आपका लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो इसका मतलब हैश की जो एसोसिएटिविटी क्या होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। ओके, और यहाँ क्या दिया हुआ टी डिराइव्स टी एंड एफ, तो इसका मतलब जो एंड है इसकी भी एसोसिएटिविटी क्या होगी लेफ्ट टू राइट है। ओके, दूसरी चीज़ क्या होगी प्रेसिडेंस आइडेंटिफाई करेंगे, सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ स्टार है तो उसकी प्रेसिडेंस हाई है और प्लस है तो उसकी लो होगी, ऐसा नहीं देखना है। तो कैसे चेक करते हैं कि जो आपका वेरिएबल
यानी सपोज दैट टी डिराइव्स टी टी एंड एफ दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ एंड की प्रेसिडेंस है से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो आपका वेरिएबल यानी जो प्रोडक्ट यानी जो ऑपरेटर या ये आपकी प्रोडक्शन है, इसमें ये ऑपरेटर इस वेरिएबल से यानी स्टार्ट वेरिएबल से जितना क्लोज होता है ओके, वो उसकी प्रेसिडेंस क्या होती है, सबसे कम होती है। और जो जितना ज़्यादा दूर होता है, दैट मीन्स फार अवे फ्रॉम दैट स्टार्ट वेरिएबल, तो क्या होगा, उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। तो यहाँ में प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दोनों का ध्यान यानी दोनों को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना है ओके। अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में अगर फर्स्ट वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फर्स्ट वाले का मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये हो जाएगा, सॉरी ये 2 है ओके। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 512, तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा आएगी 512 के कंपैरिजन में। तो क्या हो जाए, इससे पता चला कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या है यहाँ, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो इसका मतलब प्लस का मतलब क्या हुआ, हैश का मतलब तो ये है कि आपका मल्टीप्लीकेशन है, एंड का मतलब यहाँ क्या हो गया, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस प्लस 16 के बाद क्या आपका 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 ओके। तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट करेंगे, सबसे पहले प्लस, क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा है। तो दैट मीन्स क्या होगा, पहले ये ऑपरेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 टू 8 एंड 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 28 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4, ये सारा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या है, इसका एडिशन परफॉर्म किया तो 6 आ रहा है, और इसको जब हमने ऐड किया तो क्या, 6 प्लस 2 यानी टोटल 16 प्लस 12 विच इज़ इक्वल्स टू 28 और मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, आपका 512 के इक्वल नहीं आएगा ओके। इसको कैलकुलेटर से एक बार आप ट्राई करना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 512 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, प्लस भी आपका वर्क नहीं कर रहा ओके। तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है, टी डॉट वैल विच इज इक्वल्स टू टी डॉट वैल माइनस। तो दैट मीन्स माइनस का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका, 8 मल्टीप्लीकेशन, हैश का तो मल्टीप्लीकेशन है, अब क्या हो जाएगा, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ओके। तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 16 माइनस 12 मल्टीप्लीकेशन 4 माइनस 2, और माइनस पहले आपका जो है इवेल्युएट होगा, क्यों, क्योंकि माइनस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है ओके। तो अगर 12 माइनस 4 करेंगे तो कितना जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 विच इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो दैट मीन्स इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1। तो 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपका, 2 टू द पावर 9 विच इज़ इक्वल्स टू 512। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 सही होगा। तो दैट मीन्स टी डॉट वैल क्या हो जाएगा आपका, टी डॉट वैल माइनस एफ डॉट वैल्यू ओके। तो इसका मतलब थर्ड इस तरीके से, या आप पूरी एक ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे ओके, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। सिंपली क्या करेंगे, जो भी आपकी गिवन प्रोडक्शन होगी अगर इस तरीके का है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिंपली वहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और वो कौन सा एसोसिएटिविटी लॉ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ दोनों लेफ्ट टू राइट हैं और यहाँ लेफ्ट टू राइट इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या आ रहा है आपका, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 512 किस ऑप्शन पे, थर्ड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अगर ये हमने इवेल्युएट कर लिया तो अब पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंपली क्या करेंगे, इसमें भी एज इट इज़ वही कर देंगे, क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 और एंड की वैल्यू हमें पता ही चली गई, माइनस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 ओके। तो माइनस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो ब्रैकेट कहाँ लगाएंगे, इधर इधर और इधर ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 5 सॉरी 9 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 10 इंटू 3 30, तो दैट मीन्स टोटल कितना आ रहा है, 300। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 300। तो इस तरीके से एसजीडी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, ये आपका गेट 2004 का क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। सिंपली क्या करना है, जो भी आपका एक्सप्रेशन गिवन होगा, जो भी ऑप्शंस होंगे, इसको वन बाय वन
इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो ऑप्शन आपका मैच करके वो आंसर होगा, इसको फिल कर लिया और इसकी वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट कर दिए, तो क्या होगा, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा पहले इसको करेंगे, वैसे भी इसको लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट करें या लेफ्ट टू राइट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर ये पावर होता तो उसको राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट करते, तो यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करो या इधर से मल्टीप्लाई करो, आंसर में कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका जो है SDD के बारे में। ओके।